पूरे हिंदुस्तान भर में ड्राइवर्स जो है वो नाराज़ नज़र आ रहे हैं और हर जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहा है। कल भी नवी मुंबई में जो है ड्राइवरों ने पुलिस के ऊपर मारधाड़ की। ड्राइवर इस चीज़ को लेकर के नाराज़ है कि जो नया कानून जो इम्प्लीमेंट करने की बात चल रही है, जहाँ पर बताया जा रहा है कहीं 7 साल और कहीं 10 साल की सज़ा का जो बताया जा रहा है, उसके अलावा ड्राइवर्स के ऊपर जो है 10 साल की सज़ा का भी जो है जो चेंजेस किए जा रहे हैं कानून के अंदर। इसके पहले भी कुछ कानून हुआ करता था, करीब 2 साल का था, लेकिन अब 10 साल कर दिया गया, जिसको लेकर के ड्राइवर जो नाराज़ है। ड्राइवरों की अलग अलग मांगे आ रही है पूरे हिंदुस्तान भर से और हर जगह से लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले अभी देवनार में भी, देवनार डंपिंग के पास में भी जो है वहाँ पर ड्राइवर्स ने अपनी गाड़ियों को रोक दिया था और उसके बाद में जो है लाठीचार्ज का भी आरोप पुलिस पर लगा हुआ है। अभी हम शंकरा कॉलोनी में खड़े हैं जो चेंबूर और गोवंडी के बीच एरिया में आता है। यहाँ पर काफी सारी अगर आप देखेंगे तो गाड़ियां लाइन से खड़ी हुई है, सारे ही ड्राइवर्स हैं, ये सारे डंपर्स खड़े हुए हैं, ये जो ट्रांसपोर्ट के जो लोग हैं जो अपनी अपनी गाड़ियां यहाँ पार्क करते हैं, सारे के सारे यहीं पार्किंग करके जो है यहाँ पे लोग रुके हुए हैं। यहाँ पे सारे जो घाटकों पर मानकोर लिंक रोड के ऊपर जो ड्राइवर्स रहते हैं, यहाँ पे एक बड़ी मात्रा में पूरे मुंबई के लोग यहाँ पे ड्राइवर्स रहते हैं। तो यहाँ पे उनके लोग हैं, उनसे बात करके कि किस चीज़ को लेकर के क्या मांग है, क्यों नाराज़गी है, क्या प्रॉब्लम है इस कानून के अंदर। सर ये जो अभी जो कानून जो आने की बात चल रही है नया, हर जगह पूरे हिंदुस्तान भर में ही लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, मतलब पुलिस को भी मार रहे हैं, क्या मांग है आपकी? मैंने अभी तक पुलिस को मारने का तो सुना नहीं है। खैर आप ठीक है, आप जो आपकी बात गलत नहीं हो सकती, लेकिन ये जो मुद्दा है ये हकीकत में गलत है। एक पब्लिक के ऊपर, ये सिर्फ ड्राइवर का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा जो है जिन लोगों के जेब में ड्राइविंग लाइसेंस है और वो ड्राइविंग करते हैं, ये हर एक नागरिक का, इंडियन नागरिक का मुद्दा है। और ये सबके लिए बहुत गलत इसलिए साबित हो रहा है कि 10 लाख रुपया हर किसी के पास नहीं होता है और 10 साल की सज़ा है। अगर 10 लाख नहीं है तो क्या 20 साल की सज़ा हो जाएगी? तो उम्र कैद के बराबर हो गया, वो तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसे ये माना जाएगा। दूसरी बात, इसमें बहुत सारे लोग गलत फ़ायदा उठा सकते हैं, जैसा कि अभी लोगों ने पब्लिक क्या होता है, ड्राइवर ले जाने के राजी रहता है लेकिन पब्लिक के डर से नहीं लेके जाता है, क्योंकि पब्लिक उसको मारेगी, उसकी गाड़ी जलाएगी, कुछ भी इंसिडेंट होगा। इसका जवाबदार कौन? इसका जवाबदारी अगर गवर्नमेंट लेती है और जो अधिकारी इसका मिसयूज करेगा कानून का, उसके लिए कुछ होना चाहिए प्रविधान। इसका अगर प्रविधान उनके खिलाफ भी होता है तो ठीक है, नहीं वरना ये कानून को वापस लेना चाहिए, ये हमारी मांग है। लेकिन ये जो कानून था पहले क्या कानून हुआ करता, क्या आपको उस बारे में पता है कि पहले क्या चीज़ें हुआ करती थी? पहले कुछ चेंजेस नहीं, पहले यही थी कि भाई आदमी लग गया, आदमी बचाव के लिए भागता था, जबकि उसको चौकी जाना था, लेकिन चौकी में इसलिए जाता कि उसको जाने के बाद में मिसयूज बहुत होता था, उसमें गैर कानूनी यानी एक्स्ट्रा कानून कलम बहुत लगा सके और अंडर टेबल बहुत हो जाता था। मैं किसी पुलिस अधिकारी को नहीं बोल रहा, मैं स्पेशली कानून के हिसाब से बात कर रहा हूँ, मैं कानून को बता रहा हूँ, कानून का मिसयूज होता था। पहले क्या जुर्माना लगता था? पहले जुर्माना कुछ नहीं था, पहले हम लोग जाते थे ड्राइवर को छुड़ाते थे, जो भी एक्सीडेंट उसका कोर्ट सुनाता था, और बाद में बेल बॉन्ड भरकर गाड़ी छुड़ाते थे और गाड़ी छूट जाती थी और केस चलता था, जो दंड होता है जो भी होता है जज अपॉइंट करता था वो होता था, बाद में गाड़ी छूट। पहले क्या होता था? पहले क्या था कि जैसे एक्सीडेंट हुआ, ड्राइवर चौकी गया, तो धनी क्या करता था, पहले कानून क्या था कि पहले ड्राइवर की बेल लिया जाए उसके बाद गाड़ी छोड़ा जाए, ऐसा होता था। तो अभी ये उल्टा हो गया है, पहले क्या, अभी का क्या कानून हो गया है कि एक्सीडेंट हो गया, अब वो ड्राइवर तो बचाने जाएगा तो वो खुद मर जाएगा क्योंकि पब्लिक उनको छोड़ेगी नहीं। अब क्या हो गया कि अगर वो ड्राइवर नहीं बचा रहा तो उसको 10 साल की सजा दिया जाएगा और 10 लाख रुपए जुर्माना है। तो अब ये बताओ ये ड्राइवर कमाता कितना है, एक दिन का वो 600 रुपया कमाता है, वो बेचारा अपना खाएगा कि बाल बच्चे जाएगा 10 साल भरने जाए, रोज का कमाता है, रोज वो खाता है, तो वो 10 साल तो 10 साल काटने जाएगा तो उसके बीवी बच्चे का क्या होगा? तो ये मुंबई में अभी जैसे प्रोटेस्ट खाली आप यहीं कर रहे हैं कि आपके जो एसोसिएशन के लोग हैं और जगह जगह जो प्रोटेस्ट हो रहा है ऑल ओवर मुंबई में, हर जगह जैसे गोवंडी एरिया, वर्ली एरिया, धारावी, ऑल ओवर महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे ऐसे जगह है, पूरे हिंदुस्तान में ये प्रोटेस्ट चल रहा है। और ये प्रोटेस्ट जो चल रहा है, ये जो गाड़ी है ना, ये गाड़ी नॉर्मल एक परिवार चलाने के लिए नहीं है, एक गाड़ी के ऊपर ड्राइवर टिका हुआ है, धनी टिका हुआ है, उसके ऊपर लेबर काम करने वाले, एक गाड़ी पे 4 लेबर काम करते हैं, एक गाड़ी से 6 परिवार चलता है। आज अगर ये ऐसा कानून लेके आते हैं तो बताइए देश का क्या होगा, देश की अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है इस चीज़ से। आज पेट्रोल पंप पे हम लोग, मैं जाके आया पेट्रोल पंप पे, धीरे धीरे पेट्रोल कम हो रहा है, डीजल कम हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन धीरे धीरे बंद हो रहा है, हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है और बंद हो रहा है। तो बताइए इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? ये गरीब, ये ड्राइवर लोग कहाँ जाएंगे,
ये ड्राइवर लोग की वजह से ये पूरा मामला टिका हुआ है, पूरा देश पूरा चल रहा है। ट्रांसपोर्टेशन बंद होगा तो पूरा देश की चलता फिरता प्रोटेक्शन और प्रोडक्शन प्लस उसका जो वो है बड़ा डेवलपमेंट सब बंद हो जाएगा। लेकिन रोड पर देखा गया कि डंपर से काफी एक्सीडेंट भी होते हैं, वो उसके लिए क्या किया? सुनिए, उसके लिए मैं खुद लड़ रहा हूँ, मेरे पास उसका PIL चालू है, मैं खुद PIL लड़ रहा हूँ, ओवरलोड के खिलाफ PIL चालू है हमारा, और ये तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको नो एंट्री के खिलाफ PIL चालू है। जब सब गैर कानूनी, गवर्नमेंट ने गलत कानून से गलत हिसाब से किया, हमने चैलेंज कर चुके हैं इसको, लेकिन गवर्नमेंट के लोग मानने राजी नहीं, इसका रिप्लाई तक नहीं फाइल करते, एक से एक साल हो जाता है। और इसमें कुछ एजेंट अपॉइंट हुए, जो एजेंट अपॉइंट हुए जो पूरा ये रैकेट चला रहे, जैसा ओवरलोड में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसके बाद भी ओवरलोड बंद नहीं हो रहा, हम उसकी लड़ हम खुद लड़ रहे हैं, हम उससे परेशान है। हमारी गाड़ियाँ की घसाई होती है, हमारा 17,000 रुपया पर मंथ हमारा जाता है, घर चल सकता है उसके अंदर, और वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का उल्लंघन हो रहा है। 17,000 रुपये महीने का जो बता रहे, कहाँ जाता है? हर गाड़ी वाले देना पड़ता था। हाँ, कहाँ देते हैं आप? वो एजेंट है सब। देखो इसमें जो है ये गवर्नमेंट को चेक करना चाहिए। इसी तरह हमने एक RTO में लगाया था थोड़े दिन पहले, वो था जो अपने इसका तुम्हारा फिटनेस का, फिटनेस में गवर्नमेंट ने कार्रवाई की थी, तो आज की डेट में आपको उसका रिजल्ट ये मिला कि RTO के अंदर एजेंट गिरी कम हो गई, ऑनलाइन ज़्यादा हो गया। इसी तरह इसमें पब्लिक जब सिग्नल तोड़ती है, सिग्नल तोड़ने के टाइम में मैंने देखा है जाके वर्ली के अंदर कि वहाँ पे वो जेब्रा लाइन भी है ना, वो लोग चेक करके उसको फाइन मारते, तो बहुत अच्छी बात है, मैं खुश हूँ। लेकिन वो जेब्रा लाइन के साथ में जब ओवरलोड गाड़ी डेपो मार के ऊपर डेपो मार के ओवरलोड बड़ी बड़ी गाड़ी ऑल्ट्रेशन करके बॉडी को और चलती है, वो उनको नहीं दिखता। ट्रैफिक पुलिस का काम क्या है? सेफ्टी पब्लिक का करना। देखो तो Section 115 का मैंने अभी चैलेंज किया, Section 115 में क्या लिखा है? ट्रैफिक पुलिस अपना खुद का कानून नहीं बना सकती, उसके अंदर लिखा है गैजेट ऑफिसर अपॉइंटेड, आज तक गैजेट ऑफिसर कभी अपॉइंट नहीं हुआ। क्या, चलिए ये तो ओवरलोड की बात हो गई। ये जो प्रोटेस्ट लोग कर रहे हैं, जो प्रावधान जो नया आया है कानून में जो लागू करने की बात की जा रही है, लोगों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका? सर इसका बहुत इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आपका जो जितना भी ट्रांसपोर्ट एरिया है आपका सब बंद हो जाएगा, मार्केट में महंगाई बढ़ जाएगी, जितनी भी है सब्जी वगैरह राशन वगैरह सब चीज़ के भाव, आप आज एक दिन हुआ है सिर्फ बंदी होके आप मार्केट में जा सकते हो, जो चीज़ कल कितने रेट में मिल रही थी जैसे 80 रुपया 60 रुपये, आज रात के अंदर एक रात के अंदर वो चीज़ें 100 150 200 300 रुपये। अब आप बताओ जो 200 रुपये कमाने वाला 400 रुपया, इसमें 600 रुपया 800 रुपया 1000 रुपये कमाने वाले भी है, लेकिन जो आदमी 200 रुपया रोज का कमाता है वो 200 रुपये में अपनी ज़िंदगी कैसे जीता वो जानता है। और जब महंगाई बढ़ जाएगी, ट्रांसपोर्ट बंद हो जाएगा, ड्राइवर भाई जितने भी हैं सब हड़ताल करके बैठ जाएंगे, तो उसका घर कैसे चलेगा? मोदी सरकार आएगी देने के लिए उसके घर तक? आप बताइए मुझे। लेकिन हर जगह तो मोदी सरकार के ही नारे लगते हुए दिखाई दे रहे हैं, फिर कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। हमारा सरकार से कोई बैर नहीं है, हमारा जो कानून है उससे हमारा ये है बैर है, और हमारा जो कानून गलत है उससे हमारा ये है, बाकी जो पब्लिक चुनेगी वो सरकार जो चाहेगी। क्या होना चाहिए कानून आपके हिसाब से, आपको क्या लगता है कि कानून ये है कि ये जो मुद्दा है गलत है कोई और? और सबसे पहला मैंने बार बार गवर्नमेंट से ये मेरे पास राइटिंग लेटर से भी बहुत है कि हमने ये किया है कि कोई भी कानून अगर गवर्नमेंट बनाती है उस टाइम पे पब्लिक का एक बाशिंदा, पब्लिक की तरफ से लॉ एंड ऑर्डर जानने वाला, पब्लिक की तकलीफ जानने वाला, उनके मीटिंग में मौजूद होना चाहिए ताकि पब्लिक की तरफ से बोल सके कि कानून ऐसा नहीं ऐसा पालन, तो ही कानून का पालन होगा, वरना नहीं। लेकिन जो आपके ही लोगों में से एक आदमी वहाँ पे बैठा होता है जिसको अपोजिशन अपन बोलते हैं, हमारे पब्लिक की तरफ जो अपोजिट पार्टी का होता है वो पार्टी लड़ती है, पब्लिक की तरफ से पर्सनली कोई नहीं होता। जैसे हम तो रोज बोलते हैं हमको हर चीज में नॉलेज है, हमको बुलाओ जैसे CND परमिशन हो गया, रॉयल्टी हो गया, हम लड़ रहे टोटल लड़ाई हम लड़ रहे सब जगह, मेरा PIL सब चालू है, शायद महाराष्ट्र में कोई लड़ता होगा मेरे सिवा। आपको पता है घाटकोपर मानकुर लिंक रोड पर रहते हैं, हर आए दिन डंपर से हर हफ्ते में एक एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट होता है ठीक है, लेकिन मतलब आम आदमी की जिंदगी की भी परवाह होनी चाहिए, ठीक है, इसके लिए हम लोग मान रहे, लेकिन ये जो नुकसान है जो मतलब आज देश सरकार चल रही है, मेन कमर की हड्डी आप तोड़ दोगे तो आदमी चलेगा कहाँ से? आप आदमी मतलब हर चीज़ों में तो महंगाई पब्लिक को होगी, गवर्नमेंट खाली अपने मुंह से बोल देगी उससे तो कोई चीज़ नहीं होने वाली। गवर्नमेंट कोई भी कानून लाएगी, पब्लिक से पूछो ना कि क्या लाना है क्या नहीं लाना है, आदमी भूखे मरेगा उसके लिए क्या करेगा आदमी? आज तुम बोलोगे खाली डंपर, फिर उसका टैक्सी, फिर इसका रिक्शा, आज चोर सरकार चला रही है, मतलब क्या? अनपढ़ों से सरकार नहीं चलेगी, पढ़े लिखे लोगों से समाज चलेगा। आज जो मजदूर है अगर मजदूरी नहीं करेगी तो उसमें तकलीफ किसको आएगी? पब्लिक को आएगी। अब आप कोई भी नया कानून लेके आ जाओ, सुबह में लेके आ जाओ, शाम में लेके आ जाओ, ऐसा नहीं चलेगा सर।
ओवरलोड में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का पालन नहीं हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन? गवर्नमेंट ही है ना। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ओवरलोड नहीं चलना है और हफ्ता देके चल रहा है, मतलब कौन चला? गवर्नमेंट चला रही है, सत्ता चला रही है। उस पर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? वो भगवान को मालूम, ऊपर वाले को मालूम, उसके पूरे रिलेटर हमारा क्रॉस पॉइंट है। आज 5-10 साल से क्रॉस पॉइंट हम लड़ रहे हैं, पी आई एल डाल चुके हैं मॉडल के ऊपर, उसके वॉल्यूम के ऊपर, कितनी बड़ी गाड़ी होना चाहिए। आपने पी आई एल डाल चुके तब आपकी सुनी नहीं गई, तो आपको लगता है इस कानून पे आपकी सरकार सुने? तो हमारा अभी लास्ट में बचा आत्महत्या करना, लोग आत्महत्या कर, इसी तरह मरेंगे भूखे, जब काम धंधा नहीं कर भूखे मरेंगे। आत्महत्या का तरीका ये तरीका आत्महत्या करवाने का ही है गवर्नमेंट का। इसे चल रही है गवर्नमेंट, जो भी है मोदी सरकार है, मोदी जी है या अमित शाह है, जिस गाड़ी से बैठ के चलते या वो खुद चलाते हैं, उसका ड्राइवर है कि नहीं है? उसके ड्राइवर ने हड़ताल किया? अब ये तो उसके ड्राइवर को पता होगा, उसकी भी एक वजह है लगता है आपको, करेगा नहीं करेगा? उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ कि जब वो रोड पे, अगर देखो बोलना चाहिए, अगर वो बाथरूम के लिए भी जाते हैं ना, ठीक है, तो उनके लिए पूरी रोड खाली कर दी जाती है। और जब रोड खाली रहेगा, रोड पे कोई भी आम पब्लिक भी नहीं होगी, तो वहाँ एक्सीडेंट होने का कोई सवाल आप मुझे बताओ? एक्सीडेंट आपको उसी जगह पे मिलेगी जहाँ पे ट्रैफिक रहेगा, क्राउड रहेगा, वहीं पे ये सब हादसे होते हैं। और एक बात बोलूँ, हादसा कोई भी ड्राइवर सुबह निकलता है घर से ना, तो ये नहीं बोलता कि आज मुझे किसी को उड़ाना है, वो एक ही दुआ करता है कि भाई मैं रोजी रोटी पे निकला हूँ, मेरी रोजी रोटी अच्छे से चले और मैं शाम तक अपने परिवार में अच्छा खासे आराम से आऊँ। अच्छा ड्राइवर कौन है आप लोग में से, कौन गाड़ी चलाता है? ये सब ड्राइवर, कौन ड्राइवर है गाड़ी? ये जितने ये सब भाई लोग ड्राइवर है। कौन बात करेगा आप में से, कोई बात करेगा? महादेव भाई ड्राइवर है आप? अच्छा एक बात बताओ मुझे, आपके एक ड्राइवर होने के नाते आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है जब आप ड्राइव करते हो गाड़ी? देखो प्रॉब्लम तो बहुत है हमारे को, लेकिन ये जो हमारा भारत सरकार जो काला कानून निकाला है हमारे खिलाफ, इतना जहरीला कानून निकाला है कि बहुत ही, मैं तो बताऊँ, एड्स बीमारी से भी ज्यादा जहरीला एक कानून निकाला। बीमारी एड्स बीमारी? एड्स नहीं, उसको एड्स बोलते हैं, एड्स बोलते हैं। एड्स बीमारी से भी खतरनाक ये कानून का हम ड्राइवरों को निकाला है। क्यों क्यों मैं उसका वजह बताता हूँ कि हम लोग अगर एक्सीडेंट करे वहाँ का, अगर मरीज को हॉस्पिटल ना अगर नहीं लेके जाएंगे तो सीधा बोलते 10 साल की सजा काटो और 10 लाख रुपया भरो ना। हमारे पास 10 लाख रुपया नहीं, अगर 10 लाख रुपया मेरे पास रहता तो मैं गाड़ी नहीं चलाता, कोई भी और धंधा कर लेता। तो ये जो कानून है ना, ये कानून सरास गलत है। और दूसरी बात, अगर ये कानून अमित शाह और मोदी जी सरकार अगर पीछे नहीं लेंगे तो भारत में ड्राइवर पैदा नहीं होएगा। मैं मेरे बच्चे, मेरा तो उम्र गया, मैं तो ड्राइवर हूँ, लेकिन मैं सबको मरते मरते बोल के जाऊँगा कि भाई गाड़ी मत चलाओ, कहीं कचरा चुनो, कहीं का चाय का टपरी डालो, सब्जी बेचो, यही बोल के मैं अपना जान। कचरा चुनने पे और सब्जी बेचने पे क्यों ध्यान दे रहे हैं? बच्चों को और नहीं पढ़ा सकते? अलग नहीं पढ़ा सकते? नहीं, अगर अगली चाय बेचो और समोसा और पकौड़े बेचो, अगर मेरे बच्चे, मतलब मोदी जी की बात पे ही चलेंगे? हाँ, पकोड़े बेचेंगे, पकोड़े बेचो, कुछ भी करो, लेकिन गाड़ी मत चलाओ। क्योंकि मोदी जी बोल रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। अभी ये मेरे को बताओ कि कैसा विकास है हम लोगों का? हाँ, ये भारत देश का अर्थव्यवस्था अगर नीचे गिर जाएगा तो भारत देश कैसा आगे जाएगा? मोदी जी कोरोना काल में पूरी आपने मेहनत किया, कोरोना काल में जिस तरीके से ड्राइवर मेहनत किया, किसी ने किया? घर घर तक दवा पहुंचाना, अनाज पहुंचाना, पानी पहुंचाना, राशन पहुंचाना, किसने किया? एक ड्राइवर ने किया। आज देश के लिए, प्रगति के लिए एक ड्राइवर खड़ा रहा, उसके अर्थव्यवस्था के लिए ड्राइवर खड़ा है। आज ड्राइवर सबसे बड़ा गुनाहगार है, ड्राइवर के ऊपर इतने बड़े मतलब जुल्म किया जा रहा है कि 10 साल की सजा, 10 लाख रुपया जुर्माना कौन सा ड्राइवर भरेगा? कौन भरेगा? जो है किसके पास 10 लाख रुपया है? 10 लाख रुपया मेरा एक सवाल जो था ये समझे नहीं, ये मैं पूछ रहा था कि एक ड्राइवर होने के नाते जब आप गाड़ी चलाते हैं सड़क पे, रास्ते में पुलिस को, आम पब्लिक की वजह से, पुलिस की वजह से, आरटीओ की वजह से क्या प्रॉब्लम्स आपको होती है? हमारे पास बहुत प्रॉब्लम आते हैं। आरटीओ है, अभी हम लोग गाड़ी माल लेके जा रहे हैं, आरटीओ है, जब बस गाड़ी रोक लिया, फाइलेंस आपका नहीं है, पेपर नहीं, सब कुछ पूरा नहीं, मेरे पास भी उनको अथॉरिटी मिल गया है, फोटो मार दिए, 1500 रुपये चार्ज मार दिए, ये किस की जगह का जुर्म है भाई? हम जा रहे हैं सही, हमारे पास अगर कोई प्रूफ ना हो, हमारे पास अगर गाड़ी में अगर कोई फोल्ड हो, कोई तकलीफ, हमारे पेपर ना हो, तो हमारे जबरदस्ती का 90 का चार्ज। पेपर्स भी रहते हैं आपके तब भी? फिर भी उनके पास चार्ज मिल गया है, नहीं कुछ उनको मिला, चार्ज मिल गया, गाड़ी चल रही है, रनिंग चल रहा है, फोटो मार दिए, फाइन आ गया, गाड़ी खड़ा हुआ है, फोटो मार दिया, फाइन पहुंच गया, जबरदस्ती फाइन, जबरदस्ती कर लिया, हाँ नंबर पर गंदा है,
सिग्नल लाइट तुम्हारा ये नहीं, अगर सब कुछ हमारे पास ओके है फिर भी उनको जो है जबरदस्ती अगर चार्ज नहीं मिला, दो एंट्री नहीं मिला, चार्ज मार देते हैं। अच्छा, लोगों के ऊपर आरोप भी है ड्राइवर्स के ऊपर कि वो दारू पी कर गाड़ी चलाते हैं, नशा करके गाड़ी चलाते हैं, उस पर लगाओ ना। हमने कोई, मैंने कोई डिमांड किया है, मेरे पास एविडेंस है फेसबुक के ऊपर, बरोबर एक साल बाद में गडकरी जी ने उसको वो भी किया कि हमने उसका रिसर्च कर लिया है बेल्ट में सिंसियर के लिए, आज तक आया नहीं। हमने खुद उसके लिए क्या ड्रिंक एंड ड्राइव के लिए कहा, और कोई भी गलत काम में अगर हमारे डंपर यूनियन में डंपर वाला कोई गलत जगह खाली करता है, हम खुद उसको लिया कंप्लेंट करवा, हम खुद पकड़ा दे। और आपको एक बताओ, ये सबसे पहली बात ये जो कि बॉम्बे सीट एंड क्लीन जो है वो आज हमारे यूनियन का ही देन है। ये कैसा है, म्यूनसिपालिटी यहाँ कुछ नहीं कर रही है, ये जो गाड़ियाँ खड़ी है ना पूरी बम्बई गंदी हो जाएगी। आज सुबह 4 बजे हमारे डंपर वाले लेबर, ये लेबर डंपर वाले जाते हैं सुबह 4 बजे भाईकल्ला नाके में जमा होते हैं, और 8 बजे तक पूरी बम्बई का जो डैमेज होता है, टेनेंटेबल रिपेयर बोलते हैं इसको, बोरी रिपेयर किया, रूम रिपेयर किया, 5-5 दर्जन गोने हर जगह से जमा करते करते वो एक गोड़ी एक गाड़ी का लोडिंग करते, और ऐसा कई 2-500 गाड़ी डेली का रैपिड डैमेज है वो बाहर निकलती है बम्बई से, बम्बई साफ रहती है। इसका मेडल हमको मिलना चाहिए, हमारे ड्राइवरों को मिलना चाहिए, हमारे लेबर को मिलना चाहिए जो कि उनके खिलाफ काम किया जा रहा है। दूसरी बात ये, स्वच्छ अभियान हम चला रहे हैं, हमारे साथ उल्टा हो रहा है। दूसरी बात ये कि जब ये उसको डंपिंग में नहीं दिया और डंपिंग के नाम पर उनको चार्ज मारा जा रहा है, लाइसेंस तो बोले ड्राइवर का ही जब्त होता है, ये गलत है। ये क्या मांग है आपकी, आप मेरा सवाल आप समझे नहीं थे, प्रॉब्लम्स क्या क्या थी, एक सवाल इनसे रह गया था कि प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है कि लोग, क्योंकि हर बार ड्राइवर गलत हो या हो सकता है कि हर बार एक बार, तो मैं आपको विद डॉक्यूमेंट ये बोल के फायदा नहीं, विद डॉक्यूमेंट पब्लिक को इसका मैसेज जाएगा। मैं आपको एक एक चीज़ का डॉक्यूमेंट के साथ में एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ये जो इसको अभी जो न्यूज़ को है आप इधर ही रखो, और आपको अगर इसका आगे बढ़ाना है तो मुझे पर्सनली ये करो, मैं डॉक्यूमेंट के साथ में आपको दिखा के काम करूँ, सब चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। हमारा पर्सनल मुद्दा ये है, हमारे ड्राइवर भाई जितने हैं हमारे ऊपर जो है जो यहाँ चार्ज लगाया गया है 10 साल का, मतलब सजा 10 लाख रुपया जुर्माना, ये बंद होना चाहिए, ये एकदम खारिज किया जाए। लेकिन इसके अंदर एक ये सवाल है कि सिर्फ डंपर या बड़ी गाड़ियों के लिए नहीं है, ये सारे ड्राइवर्स के लिए है, ऑल ड्राइवर्स के लिए हमारे, हमसे निवेदन है जितने हमारे सारे ड्राइवर भाई है सब एकता हो, एक संगठन हो, अपना एक ग्रुप बनाए, अपने यूनियन को मजबूत करे, अपने एकता को मजबूत करे। सिर्फ बड़ी गाड़ियों वाले, सिर्फ टोटल जितने ऑटो रिक्शा है, हमारी दूध की गाड़ी है, सिर्फ दूध की, मेडिकल की, जो एम्बुलेंस को छोड़ के हमारे जितने ड्राइवर भाई हैं सब एक हो, एकजुट हो, इकट्ठा हो। दूध वाले की अगर गाड़ी से या मेडिकल की गाड़ी से एक्सीडेंट होगा तो छोड़ देंगे उसे, उससे कानून नहीं लगेगा? नहीं, वही इमरजेंसी की गाड़ियाँ हैं उनको हमने, ये जो आप जो सवाल किए हो कि मेडिकल की गाड़ी से और एम्बुलेंस से, मैंने सुना है लेकिन कहीं देखा नहीं है कि उसको 7 खून माफ है लोग बोलते हैं, एक कहावत है, लेकिन मैंने ऑन रिकॉर्ड आपको बताऊं, आप उससे जाओगे सेंट्रल मोटर बुक के हिसाब से तो किसी गाड़ी का कोई भी है ना वो तय नहीं है। वजह क्या, अब ये गाड़ी का पकड़ लो नंबर का, इसमें क्लियर लिखा है सेक्शन 21 126A जिस डेफिनेशन उसमें लिया है कि डिस ये गाड़ियाँ जो है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में आती है और इनको रोड पर आना मना है, इट शुड नॉट कम पब्लिक रोड विद सेल्फ पावर, तो ये आज रोड पे ट्रांसपोर्ट का परमिट लेके चल रही है, तो पूरा गैरकानूनी चला रही है गवर्नमेंट, तो ये सब हो रहा है कैसा, हमारे देश में कानून की बहुत कमी है और देश ऐसे ही चल रहा है। तो खैर चलिए, ये हम लोग थे शंकरा कॉलोनी के एरिया में जो चेंबूर और गोवंडी के बीच का एरिया है, और यहाँ पर सारे ही ड्राइवर जो बड़ी गाड़ियों के डंपर्स चलाते हैं उनका उन्होंने प्रोटेस्ट किया है, और शायद आज कोई गाड़ियाँ निकली हुई नहीं है, सारी ही गाड़ियाँ अगर आप देखेंगे तो लाइन से खड़ी हुई है। यही वो लोग हैं जो बता रहे हैं कि रास्ते को जिस तरीके से डेब्रीज वगैरह उठा के मुंबई के बाहर डंप करते, एक तरीके से जो है क्या बोलते हैं क्लीन मुंबई को, ये लोग जो स्लोगन है उसको सपोर्ट करते हैं, साथ निभाते हैं उस चीज़ के लिए। इनकी ऐसी मांग है कि जो कानून है इसको लागू ना किया जाए, और उसके हिसाब से पूरे मुंबई में और पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहा है। फिलहाल मैं था चेंबूर के शंकरा कॉलोनी के पास, मैं आमिर, नुक्कड़ लाइव।